तो आज मैं आप लोगों से जुड़ा हूँ नीट के अपडेट के बारे में, क्योंकि आज नीट की एग्जाम की डेट फाइनल हुई है, जो सितंबर में आपकी नीट की एग्जाम होने वाली है। तो बच्चा पढ़े उससे जुड़ा हुआ आज का वीडियो है, क्योंकि आज का जो एग्जाम डेट फाइनल होते ही कुछ मार्किंग या क्वेश्चंस का सिस्टम क्या हुआ है, चेंज हुआ है, तो उसके बारे में मैं आज आप लोगों से डिस्कस करवाने वाला। तो देखो बच्चा पार्टी, पहले क्या होता था कि नीट के अंदर में 45 क्वेश्चंस फिजिक्स के होते थे, 45 क्वेश्चंस केमिस्ट्री के, और उसके साथ में 90 क्वेश्चंस किसके होते थे, बायोलॉजी के होते थे। ऐसे कुल मिलाकर के आपको 720 मार्क की एग्जाम होने वाली थी और होती थी, और इस बार भी 720 मार्क्स की एग्जाम होने वाली है। पर थोड़ा सा क्या हुआ, क्वेश्चन का सिस्टम क्या हुआ, चेंज हुआ है। पहले 45 क्वेश्चन कंपलसरी थे फिजिक्स में, 45 क्वेश्चन कंपलसरी थे केमिस्ट्री में, 90 क्वेश्चन कंपलसरी थे किसके अंदर में, बायोलॉजी में, उसके अंदर में जूलॉजी और बॉटनी दोनों 45-45 मार्क्स के होते थे, 45-45 मार्क्स की 45-45 क्वेश्चन होते थे। तो अब बच्चा पार्टी थोड़ा सा क्राइटेरिया चेंज हुआ है, आज 2021 के लिए अपडेट हुआ है, और थोड़ा सा क्या हुआ है, ईजी कर दिया गया है। अब वो कैसा किया गया, तो देखो ध्यान दो, इसके अंदर में क्या किया गया, फिजिक्स जो है, जो फिजिक्स के अंदर में क्या किया गया, फिजिक्स के अंदर में दो सेक्शन बनाए गए, सेक्शन ए और सेक्शन बी, सेक्शन ए और सेक्शन बी, ऐसे दो सेक्शन बनाए गए। सेक्शन ए में 35 क्वेश्चन जो हो गए वो कंपलसरी हो गए, सेक्शन ए के 35 क्वेश्चन जो हो गए वो कंपलसरी हो गए, वो क्वेश्चन आपको बनाना ही है 35 क्वेश्चन। तो उसके मतलब वो 35 क्वेश्चन कितने मार्क्स के हो गए, 140 मार्क्स के हो गए, ठीक है। लेकिन सेक्शन बी में 15 क्वेश्चन पूछा जाएगा, सेक्शन बी में 15 क्वेश्चन है, और 15 में से आपको 10 क्वेश्चन बनाना है, 15 में से 10 क्वेश्चन बनाना है। तो आप लोग वहां से ऑप्शन चूज कर सकते हो, कोई भी 10, 15 में से, तो आपके लिए 5 क्वेश्चन एक्स्ट्रा है, तो आप वहां पर बहुत आसान हो जाएगा आपको स्कोर करने के लिए, क्योंकि आपको वहां पर निगेटिव मार्किंग से बचने के लिए चांस मिल जाएगा। तो यहां पर 40 मार्क्स के लिए ये 10 क्वेश्चन होंगे। उसी प्रकार से केमिस्ट्री भी होगा बच्चा पार्टी, केमिस्ट्री, केमिस्ट्री में भी सेक्शन ए होगा और सेक्शन बी होगा, सेक्शन ए और सेक्शन बी होगा, सेम क्राइटेरिया 35 क्वेश्चंस हो गए जो आपको कंपलसरी हो गए, वहां पर आप लोग छोड़ नहीं सकते उनको, बना सकते, बनाना है, छोड़े तो मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे, या आपने गलत सॉल्व कर दी तो वहां पर निगेटिव मार्किंग होगी, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी 140 मार्क्स के, और बच्चा पार्टी जो सेक्शन बी है ये भी 15 मार्क का है, सेक्शन बी यहाँ पर 15 मार्क का बोले नहीं, क्वेश्चन 15 है, वहां से आप लोगों को क्या करना है, आपको 10 क्वेश्चन सॉल्व करना है, मतलब 40 मार्क्स का, कितने मार्क्स का, 40 मार्क्स का, आपको 10 क्वेश्चन सॉल्व करना है 15 में से, कितने में से, 15 में से। उसके बाद में आपका आ जाता है बायोलॉजी, बायोलॉजी में दो पार्ट गिरते हैं, एक बॉटनी और दूसरा जूलॉजी, एक बॉटनी और दूसरा क्या जूलॉजी। बॉटनी में भी सेक्शन ए है, सेक्शन ए और सेक्शन बी, ऐसे दो सेक्शन हो गए यहाँ पर भी, तो सेक्शन ए के 35 क्वेश्चन ए भी कंपलसरी हो गए इसमें 140 मार्क्स के लिए, और उसके बाद में जो सेक्शन बी होगा ये भी 15 क्वेश्चन का होगा, और 15 क्वेश्चन में से आपको यहाँ पर 10 क्वेश्चन बनाना है, और ये 40 मार्क्स के लिए। फिर बचा आपका लास्ट की जूलॉजी, तो जूलॉजी के अंदर में क्या करना है बच्चा पार्टी, जूलॉजी के अंदर में भी सेक्शन ए और सेक्शन बी होगा, सेक्शन ए और सेक्शन बी, सेक्शन ए जो होगा उसमें 35 क्वेश्चन होंगे, और 35 क्वेश्चन में से हर क्वेश्चन कंपलसरी होगा, और उस पे 140 मार्क्स होंगे, क्योंकि ईच क्वेश्चन 4 मार्क के लिए होता है, और सेक्शन बी में 15 क्वेश्चन होंगे, और 15 क्वेश्चन में से आप लोगों को मतलब 10 क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो ये 40 मार्क्स के लिए हो जाएगा। ऐसा कुल मिलाकर के आपका 720 मार्क्स का बच्चा पार्टी एग्जाम होगा। तो ये ऐसा क्राइटेरिया, ये क्राइटेरिया किसका है, नीट किसका, नीट एग्जाम 2021 का, ये लेटेस्ट अपडेट था जो आज ही ये क्या हुआ है, अपडेट हुआ है, क्योंकि बच्चा पार्टी आपको इस बारे में इंफॉर्मेशन रहना क्या जरूरी है, क्योंकि इससे पहले 45 कंपलसरी वाला सिस्टम था, अब कंपलसरी नहीं है। ये जो सेक्शन बी आने से आपके लिए थोड़ा सा क्या हो गया, आसान हो गया, और मार्क्स आप इसमें आसानी से क्या कर सकते हो, स्कोर करना थोड़ा सा क्या हो गया, आसान हो गया बच्चा पार्टी। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, थैंक यू।